गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर सेकेंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. देखिए, जो भी नंबर दिए गए रहेंगे उनको हमको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा. ओके, देन रीराइट देम इन ब्लैंक्स स्पेसेस विथ कॉमा एट द राइट प्लेसेस. देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करने के बाद से उन नंबर्स को लिख के और राइट प्लेसेस पे जो कॉमा लगेगा उसको हमको लिखना होगा. ओके, तो आइए, क्वेश्चन नंबर इसमें ए दिया है, हम लोग देखते हैं. ये 19285 है. बी में क्या दिया है, 247158. सी में क्या दिया है, 725175. डी में क्या दिया है, 928750. ओके, अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले नंबर लिख लेते हैं जो भी नंबर दिया है. ठीक है, इसके बाद से कुछ पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. जैसे ये फर्स्ट कॉलम नंबर वाला रहेगा, सेकंड कॉलम मान लीजिए थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है. ठीक है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये सिक्स्थ कॉलम है. ठीक है, और ये आपका सेवन्थ कॉलम है, चलिए उसको छोड़िए. ठीक है, इसमें हमने नंबर लिखा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे. नंबर्स बाय इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कॉमा राइट करेंगे. यहाँ पे हमने ये वंस लिखा, ठीक है, प्लेस है, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, टेन थाउजेंड प्लेस, और ये हमने लाख कंसीडर कर लिया. ओके, इसमें नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर इज गिवन. फर्स्ट नंबर क्या दिया है, यही दिया है 19285. ठीक है, तो इसमें वंस प्लेस पे फाइव है, राइट साइड से हम लोग कंसीडर करते हैं. ये आपका वंस प्लेस है, यानी कि फाइव वंस प्लेस पे है. नेक्स्ट एट टेंस प्लेस पे है, टेंस वाले के नीचे लिखिए. टू हंड्रेड प्लेस पे है, तो टू को हम क्या करेंगे, हंड्रेड प्लेस पे लिखेंगे. फिर से नाइन थाउजेंड प्लेस पे है, नाइन थाउजेंड वाले के नीचे लिखेंगे. फिर से वन टेन थाउजेंड प्लेस पे है, तो वन को टेन थाउजेंड वाले के नीचे लिखेंगे. ठीक है, इस तरह से ये नंबर हमारा क्या मिला, 19000. ओके, 285, यानी कि इधर से थ्री डिजिट के बाद कॉमा राइट करते हैं, फिर से टू डिजिट के बाद, फिर से टू डिजिट के बाद, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है. उसके बाद इसी में दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है 247158. तो इसमें एट वंस प्लेस पे है, तो एट को वंस प्लेस पे लिखिए. फाइव टेंस प्लेस पे है, फाइव को टेंस प्लेस पे लिखिए. वन आपका हंड्रेड प्लेस पे है, तो वन को हंड्रेड प्लेस पे लिखिए. सेवन आपका थाउजेंड प्लेस पे है, तो सेवन को थाउजेंड प्लेस पे लिखिए. फोर आपका टेन थाउजेंड प्लेस पे है, तो फोर को टेन थाउजेंड प्लेस पे लिखिए. टू आपका लाख प्लेस पे है, तो टू को लाख के नीचे लिखिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 247158. इसमें पहले थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर से टू डिजिट के बाद कॉमा लगेगा. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया. और भी जितने नंबर्स होंगे इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. जैसे इसमें फाइव क्या होगा, फाइव वंस प्लेस पे. सेवन क्या होगा आपका, टेंस प्लेस पे. फिर से वन क्या होगा, हंड्रेड प्लेस पे.
फाइव थाउजेंड प्लेस पे, फिर से आपका टू 10,000 प्लेस पे, और 7 लाख प्लेस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,25,175, इस तरह से कॉमा हम लोग राइट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट रीराइट देम इन ब्लैंक स्पेसेस विथ कॉमा एट द राइट प्लेसेस। यस एंड क्वेश्चन नंबर ए 4, 8, 5, 1, 7। ओके, क्वेश्चन नंबर बी 9, 3, 2, 4, 2, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर सी 1, 7, 2, 3, 5, 9। ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर। ओके, नंबर, उसके बाद से नंबर वाला कॉलम, मान लीजिए कॉलम नंबर फर्स्ट है, उसके बाद से एक कॉलम मैंने दूसरा बनाया, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, ठीक है, कॉलम फोर्थ, फिर से कॉलम नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कॉलम बना दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से नंबर को लिखेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे, उसमें राइट प्लेसेस पे कॉमा यूज करके, ठीक है। ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये 100,000 प्लेस है। ओके, और ये तब मिलियन आता है इसके बाद से, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, 3D के बाद कॉमा राइट करते हैं, फिर से 3D के बाद कॉमा राइट करते हैं, फिर से 3D के बाद कॉमा राइट करते हैं। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में नंबर दिया है, क्या दिया है, 4, 8, 5, 1, 7। 7 वंस प्लेस पे है, 7 को वंस के नीचे लिखिए, ये वंस के नीचे 7। ओके, और 1 क्या है, टेंस के नीचे है, तो 1 टेंस के नीचे हो गया। 5 आपका 100 के नीचे रहेगा, 8 क्या होगा, 1000 के नीचे रहेगा, और 4 क्या होगा, 10,000 के नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 कॉमा राइट करेंगे, 48,517, यानी 3 के बाद कॉमा, फिर से 2 ही डिजिट, अगर 3 डिजिट होता तो 3 डिजिट को भी एक साथ ले लेते हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 9, 3, 2, 4, 2, 9, तो 9, 2, 4 यहाँ से हो जाएगा 9, 2, 4, उसके बाद 2, 3, 9, 2, 3, 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका 9 है, 2 है, फिर से 4 है, कॉमा राइट करिए, फिर से क्या है, 2, 3, 9, 2, 3, 9, फिर से कोई डिजिट होता तो कॉमा राइट करके आगे हम लिख देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। राइट द नंबर नेम्स ओके इन इंडियन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को क्या करना है, नंबर नेम राइट करना है। जैसे क्वेश्चन ए दिया है 53,125। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका वंस पीरियड है और ये आपका थाउजेंड पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 53 और साथ में पीरियड लिख देते हैं, 53,125
25, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, इसी में क्या लिखा है, 1,87,819, ओके। वी कैन राइट दिस इज एट वंस पीरियड, ओके, थाउजेंड पीरियड एंड लाख पीरियड। इट मीन्स 1,87,000, ओके, 819, ओके। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम हम लोग राइट कर लिया। ऐसे अदर क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।